हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो अब तक 1 to 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 38 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3। तीन पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में चेक करें तो एक ही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नजर आ रहा है जनरल लेजर। टोटल मैंने आपको बता रखे हैं 5 हो सकते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। कौन कौन से हो सकते हैं? जर्नल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, WCR हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये सारे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर होंगे ऑल पार्टनर को। इनमें से बस एक दे रखा है तो इसको ले लेंगे, और तो लाइबिलिटी है। असेट साइड में 3 आइटम हो सकती है जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी डेबिट साइड। एक गुडविल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है या P&L डेबिट बैलेंस। तीनों ही नहीं दे रखे, तो आप जरा नीचे चलते हैं एडजस्टमेंट पे। ऑन 1 अप्रैल 2023 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी रिटायर हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल फर्म की दे रखी है तो बी का शेयर निकाल लेंगे उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई, रिवेल्युएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएंगी क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। और दो असेट्स आपकी डिक्रीज हो गई हैं जो कि रिवेल्युएशन की डेबिट आएंगी। सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर मिस्टेक होने के चांस होते हैं हमसे। ऊपर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 2000 का। कह रहे जितने भी हमारे डेटर हैं सारे गुड हैं, उसकी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि हमने ये प्रोविजन अपने प्रॉफिट में से बचा रखा था। किस काम के लिए? बैड डेट के लिए। तो लेकिन अब नीचे आ गया कि सभी डेटर पे कर देंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2000, और हमें प्रोविजन बनाना है लीगल चार्जेज के लिए तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर हुआ है बी, जितना भी उसका ड्यूज बनेगा सारा जो है लोन में ट्रांसफर कर देंगे। अब चलते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरमेंट। सबसे पहले स्टार्टिंग कर दो रिवैल्यूएशन से, ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अच्छी तरह से नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसी को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, रिवैल्यूएशन नहीं लिखेगा, लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो कोई डरने की नीड नहीं, सेम रिवैल्यूएशन ही है, उसी का अदर नेम है। ये वाली साइड हमारी एक्सपेंस और लॉस की है, याद रख लो, ये हमारी इनकम और गेन वाली साइड है। अब जरा स्टार्टिंग करते हैं, जिस भी रीजन से गेन होगा वो गेन इधर आ जाएगा उतने अमाउंट से जितने का गेन हुआ है, उसके बाद जितने का लॉस या कोई एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा। अब स्टार्टिंग करो, पहला पॉइंट गुडविल का है जिसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना नहीं। उसके बाद है स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों अप्रिशिएट हो गई, दोनों से प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ जाओ। लिख दो यहाँ पर स्टॉक कितने से अप्रिशिएट हुआ वो लिख दो। स्टॉक की वैल्यू चेक करो, दे रखी है 20,000 और वो 10% से अप्रिशिएट हो गया। 10% करते हैं तो 2000 आ जाएगा, नोट करो। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको 36,000 की, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 दे रखा है और 10% से अप्रिशिएट हो गई ये भी, तो 3600 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद बी सी पॉइंट पे आओ। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज होना, तो लॉस हो रहा है फर्म को, इधर आ जाओ, 2 लिखो प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 28,000, 10% से रिड्यूस हुई है, लिख दो 2800। नेक्स्ट दे रखा है कंप्यूटर प्रिंटर, भी आपका रिड्यूस हो गया। कितना अमाउंट दे रखा है? 8,000 इंटू करो 10% करोगे तो 800 आ जाएगा। ये तो यहां तक का एक एक स्टेप चलते जाओ, कभी मिस्टेक नहीं होगी, याद रख लो। उसके बाद आ रहा है सन्ड्री डेटर, अच्छा पॉइंट जो अभी बताया था। कहता है सन्ड्री डेटर आर कंसिडर्ड टू बी गुड, यानी कि जो है 14,000 पूरे के पूरे गुड है, सबसे पैसे मिलेंगे। हमने मान लिया था कि 2000 शायद ना मिल पाए, तभी ये जो डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, शक है कि मे बी 2000 ना मिल पाए, लेकिन क्लियर हो गया दे पर्सन विल ऑल्सो पे, हमने ये प्रॉफिट में से बचाया था, याद रख लो। इसे एक्सपेंस मान लिया होगा जब हमने जब ये क्रिएट किया होगा, अब इसकी नीड नहीं है, रिवर्स एंट्री इधर लिखो,
या लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हर एंट्री को सोच के लिखो, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं। डी ऑब्लिक डी का मतलब डाउटफुल डेट, लिख दो 2000। अगला आ रहा है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड। हमें लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, लिख दो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितना अमाउंट है 2000 लिखो। अब सभी एंट्री को ये भी सोच लिया करो कि इधर क्यों लिखा उधर क्यों नहीं लिखा। देखो एक एक एंट्री से चलो, स्टॉक था एप्रिशिएट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है और मैंने बताया ये प्रॉफिट और गेन वाली साइड है। दूसरा भी बता रखा है कि जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो इधर लिखती है, क्योंकि इंक्रीज हमारी असेट्स हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ तो इधर आ गया, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। लैंड भी अप्रिशिएट कर गई, इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हुआ। अब आ जाओ इधर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये इधर क्यों लिया इधर क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि जो आप तो सोच रहे थे 12,000 में लेंगे डेटर से, लेकिन वो नीचे कह रहा है ऑल डेटर आर गुड, टोटल 14 के हैं, उनमें से 2000 का तो डाउट था कि वो देंगे नहीं, लेकिन अब क्लियर हो गया वो भी देंगे, तो अल्टीमेट हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, इधर ले लो। ऐसे ये दोनों डिक्रीज हुई तो इधर आ गई। अब इनका टोटल करते हैं, हर आइटम सोच के लिखो, कोई आपने रटना नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। टोटल चेक करते हैं कौन सी साइड है, उधर वाली बड़ी दिख रही है 2024 और 3677 7600, तो ये आ गया, लिख दो 7600। अच्छा इधर बनता है आपका 2024 56 बनता है इधर, यहाँ तो 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लिख लो 2000 का प्रॉफिट, और यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या जो जो पार्टनर है, एक तो ए कैपिटल है, ए कैपिटल लिख दो, फिर लिख दो बीज कैपिटल, तीन पार्टनर दे रखे हैं नोट करो अच्छी तरह से, और एक दे रखा है सीज कैपिटल, और तीनों का रेशियो भी दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है 4:3:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक का तो 800 आ जाएगा, एक का आएगा 600, ऐसे इसका आएगा 600, कैसे आया कर लो 2000 इंटू करो 4/10 करोगे तो कितना आएगा 800, ऐसे ही 2000 इंटू करो 3/10 ये आ गया 6, इसी तरीके से ये तो सेम है, दोनों तो सेम आएंगे, ये क्लियर हो गया। तो ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलो भाई अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सबसे पहले जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे लेजर तो उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखते हैं, और वो इधर लिखें या इधर लिखें, लायबिलिटी के जितने भी बैलेंसेज गिवन है इट इज द क्रेडिट बैलेंस याद रख लो, और जो असेट्स के बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस। असेट साइड में से कोई भी लेजर बनाना हो, लाइक आपको यदि कैश अकाउंट बनाने को बोल दे तो उसका बैलेंस भी डी किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड याद रख लो। अब लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इनको बोलते हैं लेजर, और सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है लेजर में, यदि उसका बैलेंस दे रखा हो बैलेंस शीट में तो ब्रॉड डाउन बैलेंस से स्टार्टिंग होगी। ब्रॉड डाउन इधर लिखे या इधर, ये ध्यान रख लो, इधर आएगा जब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी में कौन से बैलेंस है क्रेडिट, तो इधर लिखा जाएगा, कभी कोई कैपिटल अकाउंट असेट्स में आ जाए ध्यान रख लो तो टू बैलेंस भी इधर लिखा जाएगा, और जिसको ये डेबिट क्रेडिट ना क्लियर हो तो क्रॉस करके लिखना याद रख लो, ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी किधर दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे क्रॉस करके लिख देना। अब यहां शुरुआत करो बाई बैलेंस बीडी, हर एक जगह सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस बीडी से होगी, जब भी लेजर कोई बनेगा यदि उसका बैलेंस बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो तीनों के बैलेंस दिखा रखे थे बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैलेंस बीडी से। 32, 24 और 20, ये तो 32,000, 24,000 और ये दे रखा है 20, एक तो ये हो गया। अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट से स्टार्ट रखो, अभी वहां से चेक करो कितने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, खाली एक वो ट्रांसफर कर दो, या लिख दो बाई जनरल रिजर्व, कौन सी रेशियो में यूज होगा याद रख लो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो एक ही जगह यूज होनी है, कौन सी जगह, खाली गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में। कितना दे रखा है 20,000, डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 8,000, दूसरे का बनेगा 6,000 और इसका भी 6, क्योंकि दोनों के शेयर इक्वल है, 3-3 दिख रहे हैं। अब इधर से तो कंप्लीट हो गया, अब चला करो असेट से, असेट साइड से तीन आइटम आ सकती थी इधर, यदि गुडविल अपीयर्ड हो जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, पीएनएल दिया हो सकता है असेट्स में, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ नहीं दिया। अब आगे चलो रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था याद करो आपको, वो प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा। अच्छा दूसरा लॉजिक भी बताता हूं, हम जो भी आइटम यहां लिखते हैं वो क्या है, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है, ऐसे भी समझ लो, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी, तो इधर लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और लॉस हो जाए तो इधर लिखा जाएगा, वरना जर्नल एंट्री पास कर लिया करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी,
हम क्या बना रहे हैं, ए बी सी। जर्नल एंट्री में चेक करो, क्रेडिट में दिख रही है या डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट में आएंगे, वरना इसमें भी लॉजिक वही चलेगा, क्रॉस करके चल दो यदि ये ना समझ आए तो। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था याद करो डेबिट साइड, तो जब भी वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो क्रॉस करके होगा क्रेडिट साइड, लिख दो रिवैल्यूएशन। पहले तो कोशिश करो कॉन्सेप्ट पे चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रॉफिट था कितना आया था 800, ध्यान करो एक का 600 इसका भी 600, ये चीज क्लियर हुई। अब चलते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट पे, थोड़ा उसके लिए वर्किंग नोट्स पे आ जाओ या वर्किंग बना लेते हैं तब पुट करेंगे। अच्छा, रिटायरमेंट में एक चीज याद रख लो, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके इधर आएगी गुडविल और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके डेबिट, यानी कि गुडविल दोनों साइड से होगी जितना अमाउंट हमने रिटायरिंग को दे रखा है। अभी करते हैं तब और क्लियर होगा। देखो यहां गुडविल, ये वर्किंग नोट पे आ जाओ, यहां गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, लिख लो गुडविल कितनी दे रखी है, 14,000 दे रखी है, नोट करो अच्छी तरह से, फर्म की गुडविल 14,000, ये चीज क्लियर है। ये तीनों की गुडविल है, ध्यान रख लेना, इसमें बीच शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, 14,000 इंटू करो यहां पर 3/10, कहां से आया 3/10 वो भी अभी क्लियर करता हूं आपका। थोड़ा सा इधर आ जाओ, देखो ये आपको तीन पार्टनर दे रखे हैं ए बी सी, इनका रेशियो दे रखा है 4:3:3, इट इज इनका ओल्ड रेशियो है, ध्यान रख लो, क्लियर है। और इनमें से बी रिटायर हो गया तो इन्होंने रेशियो अपना क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या रेशियो बन जाएगा, हाइड कर दिया करो उसके शेयर को, क्या बन गया 4:3, ये न्यू रेशियो आ गया, नोट कर लो, क्लियर है। किस किस का आ गया, ये ए और सी का। अच्छा, हमें चाहिए अब गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है आपको याद हो, ये रहा गेनिंग रेशियो निकाल दो, गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, ए और सी का। ए और सी का कितना आ जाएगा, जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाई थी याद करो, इसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जाहिर बात है गेनिंग रेशियो किसके इक्वल आएगा, ओल्ड रेशियो के। अच्छा, दूसरा भी आपको मैंने एक तरीका बताया था, न्यू रेशियो कितना दिख रहा है आपको 4:3, हम यदि इन दोनों के शेयर को चेक करें इससे तो क्या ये 4:3 दिख रहा है, देखो ये रहा, तो यानी कि गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा 4:3। बट फिर भी आपको एडवाइज है कि आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए और सी का रेशियो निकाल लो कितना आ जाएगा 4:3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4:3 में, कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ए और सी, यहां लिखो ए कॉन्ट्रीब्यूट टू बी और यहां लिखो सी कॉन्ट्रीब्यूट टू बी, कितना अमाउंट है 4200, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट बताया, 4:3 यानी के 4/7, ये तो आ जाएगा 2400, नोट करो, और ये 4200 इंटू 3/7 ये आ जाएगा 1800, ये क्लियर है। अब ये इधर चलो, इसकी जर्नल एंट्री पास करो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बताई थी आपको, किस किस को गेन दिख रहा है आप नोट करो, ए को दिख रहा है, सी को दिख रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कितने के लिए 4200 आया था आपको थोड़ा याद हो ना था 2400 और ये कितना आया था 18, ये जर्नल एंट्री बनती है। इसी से देखो लेजर आपको सिखाता हूं, अल्टीमेट चेक करो, ए किधर दिख रहा है आपको डेबिट साइड, आप 11th पे चलो, थोड़ी हमने जो लेजर करी थी, ये 24 ए दिख रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा पहले अमाउंट लिख दिया करो ये रहा, और उसके अपोजिट अकाउंट, अपोजिट का मतलब डेबिट है तो अपोजिट बोलते हैं क्रेडिट को, टू करो बी, ये तो ए का हो गया, सी किधर दिख रहा है वो भी डेबिट में, तो डेबिट में लिखो सी के, ये रहा ये डेबिट साइड है और अपोजिट अकाउंट क्या था बी, तो दो बार बी लिखना नहीं एक ही बार में कर दिया। अब बी की बात करो, सेक्रीफाइस करके जा रहा है तो बी को तो गुडविल मिलेगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी इधर लिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी चलो, ये री जर्नल से पास करो, बी आपको दिख रहा है देखो किधर क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा कितना अमाउंट दिख रहा है उसके अकाउंट में 4200, तो यहां जब लिखेंगे तो 42 होना चाहिए, उसके अपोजिट में दो अकाउंट है तो दो करके लिख दो, एक तो लिख दो ए और एक लिख दो सी, ये कैपिटल अकाउंट लिख देना आप, क्लियर है। कितना कितना, एक तो 2400 एक लिखो 1800, ये क्लियर हो गया, इनमें तो कुछ आना नहीं। ऐसे यहां पर भी आप बीज कैपिटल अकाउंट लिख देना। अब इनको करते हैं क्लोज, क्लोज करते हैं तो देखो यही वाली साइड तीनों की वही बड़ी दिख रही है, यहां तो अमाउंट ही खाली दो दिख रहे हैं, तो उधर का टोटल करते हैं पहले, ये तो बन गया 40,800, पहले तो एक को कवर करो 40,800, चलो जी। अब इसका बैलेंस शीट निकालो,
एक का तो लिखेंगे याद रख लेना, या जो रिटायर है उसको तो लिखेंगे बीज लोन अकाउंट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये तो खाली आएगा बी में। और जो दो बचे हुए पार्टनर है उनका निकलेगा कैरीड डाउन बैलेंस, तो लिख दो बैलेंस सीडी। बी का निकलेगा नहीं क्योंकि बी का तो लोन में ट्रांसफर होगा, वो भी जब बी की बारी आएगी तब देखते हैं। पहले इसको कवर करो, ये तो बन गया आपका 400, देखो 4 और 4 8 बन गया, और फिर ये 8 38,400 तो एक आ गया, नोट करो। अब बी की बात करो, ये दिखता है आपको 34 हो गया, 34,800 आ गया, 34,008 लिख लो, 34,800 क्लियर है, 34,800। चलो जी अब सी की बात करो, ये दिखता है तो डायरेक्ट 26,600 हो गया, लिख दो 26,600। लास्ट में 8 और 8 16, 1 कैरी हो गया 2 4, 24,800 आ गया इसका। तो ये तीनों के आ गए। अब जो रिटायरिंग है उसका तो बैलेंस लिखते हैं लोन में, याद रख लो। यदि हमने कुछ पेमेंट कर रखी हो उसे तो 2 कैश या 2 बैंक कर देंगे, जैसे पेमेंट करी हमने। कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी इसमें, तो जितना भी उसका अमाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट से वो सारा ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। चलो भैया अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट की भी दो साइड है, ध्यान रखना, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, एक साइड है लाइबिलिटी साइड और दूसरी असेट साइड। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी देख लो, चाहे आप लाइबिलिटी से स्टार्टिंग कर दो चाहे असेट साइड से, कोशिश ये करो जो ओल्ड बैलेंस शीट में पहले दे रखा है उसे पहले लिखो, उसकी वैल्यू चेंज कर दो यदि कुछ चेंज हुई है एडजस्टमेंट में, तो कोई चेंज नहीं हुई तो एज इट इज लिख देना, और लेट करो वो कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कैपिटल अकाउंट में तो वो आएगी नहीं। अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखो असेट साइड से करते हैं। असेट साइड में पहले नंबर पे दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट दे रखा है 36,000, नोट करना, और ये 10% से अप्रिशिएट हुई थी, 600 आ गई। अगला चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, चलो ये डेप्रिशिएट हुई हुई है याद रख लेना, कितने की दे रखी है 2800, और ये आपकी 10% से डेप्रिशिएट हुई थी, ध्यान कर लो, करोगे 25,200 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर प्रिंटर भी डिक्रीज हुआ है, कितना अमाउंट दे रखा है कंप्यूटर प्रिंटर 8,000, और ये 800 से डिक्रीज हुआ था 7,200। चलो नेक्स्ट, एक एक स्टेप को करते जाओ, इंक्रीज है तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर दो, और कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दो। अब स्टॉक की बात करो, स्टॉक हमें दिखा रखा है 20,000 का, और कह रहा है 10% से अप्रिशिएट हुआ था, नोट करो एडजस्टमेंट में, कितने का हो गया 22,000, ये लो। स्टॉक के बाद अगला आ रहा है सन्ड्री डेटर, ये बहुत ध्यान से देखना, डेटर्स का, डेटर आपको कितने के दिखा रखे है 14,000 के, नोट करो, और जो हमने माइनस करा था डाउटफुल अब तो वो जीरो हो गया, लिखा हुआ है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे डेटर गुड है, तो यहाँ से वो चीज़ जीरो माइनस करके पूरा 14,000 दिखा दो, ये रहा, क्लियर है, यानी कि डेटर सारे कितने हैं आज हमारे पास 14, जो मिलेगा हमें उनसे। उसके बाद बैंक बैलेंस लिखो, बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 2,000, लिख दो 2,000, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो बन गई अभी असेट साइड, अब लाइबिलिटी पे आओ, लाइबिलिटी पे पहले नंबर पे है क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं है, ध्यान रखो एज इट इज लिख दो, मैंने अभी बताया जिसमें चेंज है चेंज करके दिखा दो, चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दो। बिल्स पे बिल, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने आइटम तो वो आएगी नहीं, ये भी कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज दिखा दिया। उसके बाद जर्नल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नोट करो। अब करो कैपिटल अकाउंट्स, लिखो कैपिटल अकाउंट्स, कौन कौन बच गया था, एक तो ए बच गया और एक बच गया सी। ए का कैपिटल लिखो 38,400 तो एक आ रहा है, इसका आ रहा था 24,800, अच्छी तरह से देख लो ये कैपिटल में बनाए। और अब बच गया आपके पास जो बी था जो रिटायर हुआ, उसका लिख दो बीज लोन अकाउंट, कितना अमाउंट आया था 34,800, अच्छी तरह से नोट करो ये चीज़ क्लियर हुई। अब करते हैं इनका टोटल, टोटल करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि सारी एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट कर गई या नहीं। देखो गुडविल थी, गुडविल डबल इफेक्ट कर गई, एक बार क्रेडिट साइड आई थी बी में और दूसरी डेबिट साइड आई थी ए और सी में। स्टॉक अप्रिशिएट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट, ये दोनों रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, और उसके बाद ये रहे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट, ये भी डेबिट साइड आया था रिवैल्यूएशन और उसके बाद माइनस कर दिया। सन्ड्री डेटर भी दो जगह आ गया, उसका डाउटफुल डेट ये रहा, यहां जीरो कर दिया और वहां पर क्रेडिट में दिखा दिया था। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप जीरो दिखाओ, यहाँ डायरेक्ट भी 14 लिख सकते हो, याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000, रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिया था, दूसरा कहीं नहीं गया,
प्रोविजन है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा लीगल चार्जेज, इट इज ए लाइबिलिटी। लिखो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज। हर आइटम सोच के कर लो, कभी गलती नहीं होगी, डबल इफेक्ट जरूर करेंगी जितनी भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद अमाउंट पेबल टू लोन अकाउंट, वो भी आपने दो जगह लिख दिया, एक उसके कैपिटल अकाउंट में निकला था और एक ये लिख दिए। अब चलते हैं इसका टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो इधर से ही चेक करते हैं, 8 और 8 16 16 और 4 20, लास्ट में तो 3 जीरो आ ही रही हैं, 2 कैरी हो गया, नोट करना, 12 बन गया, 20 बन गया, 24 28 और 28 के बाद 30, 3 बच गया, याद रख लेना, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 1,10,000 आ गया, नोट करो इधर की साइड। तो अब उधर चेक करते हैं, ये बन गया 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो गया, लास्ट में तो 3 जीरो आई गई थी। और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 10 के बाद 15 हो गया, 15 और 7 22, 24 28 और 2 कितना हो गया, 30, 3 कैरी हो गया इसमें भी, 3 और 3 6 और 8, 8 और 2 10 और 11 आ गया, दोनों साइड सेम आ रहे हैं, देखो 1,10,110। यदि कोई मिस्टेक करेंगे ध्यान रखना, ये दोनों आपकी टैली नहीं करेंगी, तो इसका मतलब जो भी वर्क हमने करा वो सारा करेक्ट था पीछे का। तो आज हमारा अब ये 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।